बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बनाने जा रहे हैं बकरे के गोश्त से स्टू। गोश्त ले लें आप, 1.5 से 2 पाउंड गोश्त है हमारे पास। सबसे पहले एक पतीली में हम तेल डालेंगे और बकरे के गोश्त को भूनेंगे। उसके लिए हमने ली है साबुत लाल मिर्च, आपके टेस्ट पे हैं, मैंने 8 ली हैं। कुटा धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया को मशीन में पीस लें। 4 लौंगे हैं, 2 इलायची हैं छोटी, 1 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पात हैं, 1 दालचीनी है, फ्रेश क्रश लहसुन है हमारे पास 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट है, घर का बना हुआ है। टमाटर लिए हैं 3 और 3 कच्ची प्याज़े हैं। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कुकर में बना लें तो जल्दी बनता है, आज हम बना रहे हैं पतीली में। दोनों में बना सकते हैं आप, जिसमें आपको इजी हो। पाँच मिनट इसको हम भूनेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें एक साथ डाल के चढ़ाएंगे पानी के साथ। में डाल दूंगी लहसुन अदरक, 2 मिनट उसको भूनेंगे। साथ ही में डाल दूंगी तेजपात। डाल दें इसमें सब मसाले। बकरी के गोश्त का स्टू है, इसी रेसिपी से आप बीफ का स्टू बना सकते हैं। मैं चिकन में भी बनाती हूँ और ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। नमक डालूंगी 1 टीस्पून भर के। प्याज इसमें खुद ही घुल जाएगी, मोटे मोटे टुकड़े करके काट के डालूं। पानी इसमें डाल दें तकरीबन 2 ग्लास जितना। दो से ढाई ग्लास पानी डाला है इसमें। उबाल आने पे इसको मैं ढक दूंगी और फिर 25 मिनट का टाइमर लगा दूंगी। बकरे का गोश्त 25 से 30 मिनट लेता है कुकर में, और पतीली में बनाएंगे आप तो तकरीबन 35 से 40 मिनट्स लगते हैं। गोश्त गल गया, तेज़ आंच करके इसको भून लेंगे और आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। बकरे के गोश्त का स्टू है, इसको अच्छी तरह भूनना है कि प्याज इसमें नज़र नहीं आए ऐसे। तेज़पात को निकाल के फेंक देंगे इसमें से। गोश्त गल चुका है, अब इसको हम गार्निश करके भून कर उतार लेंगे, डिश आउट कर लेंगे एक डिश में। इसको
थोड़ा सा गाढ़ा करना है, अभी पानी है इसमें। नमक मिर्च इस टाइम पे आप चख सकते हैं, अगर कम हो तो हरी मिर्च से टेस्ट कर सकते हैं या साबुत लाल मिर्च डाल सकते हैं। और साबुत लाल मिर्चों के बीच फेंक के डाला करें तो उससे तेज़ी कम आती है। मैंने आधी मिर्चों के बीच फेंक दिए थे और आधी के रखे थे। हरा धनिया और हरी मिर्च को हमने इधर काट के रखा है, इसको हम डालेंगे भूनते वक्त। स्टू पर इतना गाढ़ा रखना है कि ग्रेवी आपकी रोटी के साथ आप खा सकें, भुना हुआ होना चाहिए, पतला नहीं हो। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी और थोड़ा सा आकर में। हरी मिर्ची डाल दी है इसके अंदर मैंने, अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। बकरे का स्टू रेडी है। स्टू को हमने डिश आउट कर लिया है, बनाकर ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।